नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, जिस तरह से सुशांत सिंह राजपूत ने इस दुनिया को छोड़ा, सभी लोग हैरान थे और सभी जानना चाहते थे कि सुशांत सिंह राजपूत को किसने खत्म किया। लेकिन आपको याद होगा कि उस समय नेपोटिज्म का मुद्दा उठा था, साथ ही साथ बॉलीवुड के गैंगबाजों पर भी कई तरह के आरोप लगे थे। लेकिन एक बार फिर से बॉलीवुड के गैंगबाज काफी परेशानी में आ सकते हैं, और खास करके वो लोग जो बॉलीवुड में नेपोटिज्म को बढ़ावा देते हैं। दोस्तों, ये बॉलीवुड का नेपोटिज्म इतना खतरनाक है कि जब ये लोग किसी के खिलाफ पड़ जाते हैं तो पूरा इंडस्ट्री उसके पीछे पड़ जाता है। आपको बता दें, जिस वक्त सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को छोड़कर गए थे, उस वक्त तो करण जौहर तक पर कई तरह के गंभीर आरोप लगे थे। कहा जा रहा था कि करण जौहर की साजिश की वजह से ही आज सुशांत सिंह राजपूत हमारे बीच नहीं है। करण जौहर ने सुशांत सिंह राजपूत को कभी काम नहीं दिया। इतना ही नहीं, करण जौहर से जब सुशांत फिल्म मांगते थे तो सुशांत सिंह राजपूत को इग्नोर किया जाता था। सिर्फ करण जौहर ही नहीं, बल्कि इंडस्ट्री के और भी काफी सारे ऐसे एक्टर और डायरेक्टर हैं जिन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के साथ काफी नाइंसाफी की। लेकिन दोस्तों, ये लोग बचने वाले नहीं है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस में आने वाले दिनों में जरूर बड़ा खुलासा होगा और कोई ना कोई बॉलीवुड का ऐसा मसीहा जरूर होगा जो सुशांत का साथ देगा। हमने देखा था, कंगना रनौत ने सुशांत के लिए इंसाफ की लड़ाई जरूर लड़ी, लेकिन शायद कंगना रनौत एक गर्ल थी, इस वजह से वो पूरी तरह से इस लड़ाई को पूरा ना कर पाई। लेकिन जिस दिन कोई एक्टर ये ठान लेगा कि सुशांत को इंसाफ दिलाना है और नेपोटिज्म के खिलाफ आवाज उठाएगा, तो विश्वास करिए कि सुशांत सिंह राजपूत का केस बहुत जल्द सुलझ जाएगा और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिलेगा और जो कातिल हैं वो सलाखों के पीछे आप सभी को नजर आने वाले हैं। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे और लोगों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।